गुड मॉर्निंग फ्रेंड, फिर से आपको प्यारी सुबह का प्यारा सा गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड देखो, मेरी आवाज़ बहुत बैठ गई आज, और उसको गर्म पानी भी पिया फिर भी कुछ भी नहीं फ़र्क हुआ। फ्रेंड बहुत ही दर्द हो रहा है गले में भी, और फ्रेंड देखो आज मेरे को मेहंदी लगानी है, आज छुट्टी है तो मैंने सोचा चलो मेहंदी लगा लेती हूँ। तो फिर देखो फ्रेंड, तो मैं अभी मेहंदी लगा रही हूँ, और ये देखो फ्रेंड मैंने क्या बनाया है इसमें डालने के लिए। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, मैं लाल कलर की मेहंदी लगाने वाली हूँ। तो चलो फ्रेंड मैं आपको दिखाती हूँ मैं मेहंदी में क्या क्या डालने वाली हूँ, और फ्रेंड बहुत अच्छा लुक आता है इससे, और सिल्की और एकदम स्ट्रेट और एकदम शाइनिंग आती है बालों में, बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या डालना है इसमें। वीडियो भी बंद हो गया था, तो देखो फ्रेंड अच्छे से देखो कितना अच्छा लुक आया है। तो अभी मैं सिर को लगाने वाली हूँ। तो देखो फ्रेंड, तो जवस की वो दीदी जवस लेके आते, इधर लेके आते बेटा, यहीं पे बैठे हैं। तो उधर देखो मेहंदी का घोल बना रही है, और मैं उसके बालों के लिए बना रही हूँ। देखो फ्रेंड दही के साथ में, देखो फ्रेंड इसको अच्छे से फेंटना है, अच्छे से फेंटना है। हो गया फिर मिक्स, रुचिता को लगा कि मिक्स नहीं होगा पर वो हो गया है। फ्रेंड देखो, तो फ्रेंड देखो आपको कैसा लगा है, देखो ये खाना भी चाहिए। हाँ खाना भी, मतलब खाने के लिए भी बहुत अच्छा रहता है ये, नहीं ऐसा उखड़ा हुआ भी अच्छा लगता है। और ये देखो ऐसे बनता है फ्रेंड ये, तो मैं आपको दिखा रही थी और एक फोटो भी ले लिया मैंने। ये देखो फ्रेंड, ये देखो कैसे बनाया, देखो पूरा मिक्स हो गया। और अभी मैं लगाने वाली हूँ फ्रेंड, अब मेरे बालों को आज छुट्टी है इसलिए लगा लेती हूँ फ्रेंड, नहीं तो फिर लगा नहीं पाती। रोज स्कूल जाओ फिर स्कूल से आओ फिर मन नहीं होता है फ्रेंड, और आज गला तो बहुत दर्द हो रहा है। तो फ्रेंड गले में क्या लगो, मैंने गर्म पानी तो पी लिया है। और ये देख अच्छे से इसको देख, अच्छा इसमें है अभी, हाँ इसमें है अभी, लगा लेना तो। हाँ और ये देखो फ्रेंड यार जो सूखी है ना, जैसे अपन दुकान से लाएंगे ना तो ये ऐसी रहेगी फ्रेंड। तो आपको कभी इसके बारे में पूछना हो, नहीं पता हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हो, मैं ज़रूर बताऊंगी। फ्रेंड हर दुकान पे, किराना दुकान पे मिलती है फ्रेंड, आप ला सकते हो, वो ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो फ्रेंड डाल देना थंबनेल पे। हाँ मैं डाल दूँगी। तो फ्रेंड देखो अभी रुचिता मेरे बालों को लगाने वाली है, तो धीरे धीरे लगाना। चलो तो फिर देखो याला कितना गाढ़ा किया हुआ, देखो फ्रेंड ने कितना गाढ़ा किया हुआ है, देखो बहुत ही गाढ़ा हो गया एकदम मस्त। मेरे को लगा कि मैंने ज़्यादा डाल दिया है फ्रेंड, तो मेरे को लगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा, पर आप बहुत कम डालना। हमको मालूम नहीं था कि इसका ऐसा होता है, मेरे को पता नहीं था फ्रेंड कि ये ज़्यादा, मैंने देखा था ना तो उनने लगा कि ये ऐसा ही बोलते तो है। हाँ तो मेरे को लगा ज़्यादा डाला होगा, तो देखो फ्रेंड बहुत कम डालना, और फिर देखो कितने कम डालने से भी देखो इतना गाढ़ा हो गया है। तो फ्रेंड देखो ये देखो बल्कि इतना बच गया है, इसको मेरे को भर के रखना पड़ेगा फ्रेंड मेरे को, ये रुचिता के इसमें दही में डाल देना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसके बालों को ज़्यादा लगेगा। मेरे को हो जाएगा उतना डालूँ, हो नहीं होगा थोड़ा सा ले ले, थोड़ा सा ले ले थोड़ा। देखो फ्रेंड मैं डाल रही हूँ मेरे इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए यार, वो तोड़ना तेरे हाथ से उसको। देखो फ्रेंड कैसा एकदम जैसे केमिकल कैसा बनता है फ्रेंड, वैसे बन गया है देखो ये देखो। हाँ गिरने दे, तो देखो फ्रेंड देखो एकदम केमिकल जैसा गिर रहा है, देखो तोड़ ले उसको, देखो अंदर जा, देखो देखो कैसा टूट रहा है, तोड़ ले उसको तोड़ ले बस। तो फ्रेंड देखो केमिकल जैसा बन गया पूरा वो, देखो दो दो प्रकार के हाथ निकालो उसमें, हाथ दोनों देखो फ्रेंड एक साइड में कर ले, मुझे फोटो निकाल लेने दे। चलो फ्रेंड हाँ मुझे लगाने में बहुत ये सा लगता है, पर क्या करूँ लगाना तो पड़ेगा ही। निकल भाई बन जाता क्या मतलब, निकलेगा क्यों नहीं? हाँ सिर से फिर निकलेगा ना, क्यों नहीं निकलेगा बाल से। तो देखो फ्रेंड इधर से लगा लिया इसे थोड़ा थोड़ा, मैं कर दूँ कलर वाली है ना फ्रेंड, मुझे कलर करना है, मुझे लाल कलर के हेयर मतलब ज़्यादा नहीं होंगे, ब्राउन ब्राउन कलर के होंगे। तो मेरे हाथ लगाने, देखो मेरे हाथ भर जाए लगा चल रखा। तो फ्रेंड देखो इससे ना रूसी, अब मेरे दोनों काम होंगे मेरे फ्रेंड, देखो दोनों का तीन तीन काम हो गए मेरे बालों को, तीन क्या चार चार काम हो गए मेरे बालों का। मतलब देखो फ्रेंड एक तो मेरे बालों को जो पोर्शन मिलेगा वो अलग है,
और जो मेरे कहीं कहीं जैसे बाल वाइट हो भूरे हो उनको कलरिंग आ जाएगी, और एक तो ब्राउन कलर हो जाएगा, और एक मेरे बाल सिल्की हो जाएंगे और शाइनिंग वाले हो जाएंगे। बहुत ही फ्रेंड देखो इतने अच्छे कमाल की ट्रिक्स से, आप जरूर फ्रेंड जरूर ट्राई करें घर पे। और देखो फ्रेंड मेरे बालों, मैंने जब से हेयर कट किए ना तब से और अच्छे भी लगने लग गए हैं वो। और देखो अब रुचिना कहीं पर टपकाना मत, धीरे धीरे करना, देखो फिर लगाती जा रही है। आ टपक रहा है, टपक गया है, टपक गया। तो देखो फ्रेंड कैसा हो गया। ओ नो नाने वाली ना हाँ, पर इसके ऊपर मत गिराना पूरा। कपड़ों के ऊपर। रहने दे रहे, हवा हाथ मत लगा उसको। हाँ पहले आगे आगे लगा ले। देखो फ्रेंड कहीं पे रख रही, क्या गाड़ी के ऊपर रख दी यहाँ पे। भाई और वो तो डूब गया तो पूरे गाड़ी निकालनी पड़ेगी। तो देखो फ्रेंड रुचिता लगा रही है मेहंदी। आज तो मैंने दही भी डाला है उसमें। बहुत अच्छा भी लग रहा है फ्रेंड। तो आप ऐसे ही बने रहे हो फ्रेंड, देखो कैसे लगा रही है रुचिता बालों को। ये देखो रहे हैं। देखो बाल बाकी के ऊपर के बच्चे हैं, नीचे के भी। मेरे को नहीं पता था यार कि कम पड़ जाएगी। मेरे को बहुत गीला गीला लग रहा है बिल्कुल। ना ये रह गए बाल बेचारे। फिर भी कितना लिक्विड डाला उसमें। धूल डालती है नहीं ना, मेहंदी लगना चाहिए ना ऊपर की। देखो फ्रेंड ने ऐसे लगा ली, अब जैसे थी वैसी लगा ली फ्रेंड। तो देखो फ्रेंड फाइनली ऐसा कर लिया है मैंने, क्योंकि पूरी नहीं फ्रेंड मेहंदी तो मैंने उतने ही लगा लिया, पूरा लिक्विड जितना था होगा। वो तो पानी। दीदी नहीं तेरे इसमें डाला हुआ है, डालना है क्या फिर तुझे? नहीं, अभी रुचिता के सिर में लगाना, लगाना है क्या? लगा दूँ क्या? नहीं लगाओ हाँ? तो तो देखो वो भी मिक्स कर रही है, कैसे लगाएगी पर यार। ये अलमारी का कांच कैसा कर दिया इसने गरिमा ने, गंदा कर दिया। देख दिख भी नहीं रहा अच्छे से, पागल ने ऐसे काम बढ़ाती है। देखो ये रुचिता लगा रही है। कांच में भी दिखा सकती हूँ, पर कांच में देखो गरिमा ने कांच कितना गंदा कर दिया है, दिखा भी नहीं सकती मैं। इधर से ही बैठना पड़ेगा। ये देखो ये जड़ जड़ों में लगाना है फ्रेंड। ला मैं पकड़ू क्या कटोरा? ये देखो फ्रेंड ऐसे लगाना है फ्रेंड। देखो खोबरे का तेल और दही और जवस का वो लिक्विड जैसे मैंने अभी को दिखाया था कि उसको अच्छे से उकालना है। और हाँ इसको ऐसे ऐसे उंगली डाल डाल के फ्रेंड ऐसे, हाँ ऐसे उंगली कर करके अंदर बालों में जाना चाहिए, कि अपने दोनों तीनों काम होना चाहिए। जैसे कि सिर में रूसी हो तो रूसी भी निकल जाएगी फ्रेंड देखो दही के कारण, और बाल ऐसे रूखे हो गए तो हो तो शाइनिंग वाले भी होंगे फ्रेंड। तो देखो फ्रेंड अच्छे से लगा रही है रुचि दे। देखो ऊपर दही है, दही का टुकड़ा है यहाँ पे, देख यहाँ पे ऊपर ऊपर यहाँ पे तेरे बालों में, हाँ वहाँ पे। हाँ बनाने के लिए फ्रेंड जैसे घर के सारे राजी हो तो अच्छा लगता है फ्रेंड। तो हमारे घर पे सिर्फ हम बस, गरिमा और मैं और रुचिता, बस हम तीनों जनी ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा ये रहते हैं। मतलब हमको, हम नहीं ज़्यादा कोशिश करते हैं फ्रेंड। तो प्लीज़ हमारी इस कोशिश को कामयाब होने दो, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड। और फ्रेंड देखो गरी और रुचिता कैसे लगाते जा रही है, देखो पूरे बालों में। उसके बड़े बाल है ना फ्रेंड, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी। उसने सिर सिर में पूरा लग गया है तेरे, पीछे लगा, पीछे है पीछे, हाँ यहाँ पे डाल ले थोड़ा सा,
वो पूरे बालों को लगा ले, बालों को पहले गुड़ा कर ले, फिर एक 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 एक, एक साइड के बाल को ले ले तेरे पास में ऐसे सामने, और फिर लगा। हाँ ऐसे लगा। और फ्रेंड है ना, बड़े बालों को लगाना बहुत ही मुश्किल है, मतलब बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि है ना छोटे बाल तो अपन एक साइड में करके लगा सकते हैं, देखो बड़े बाल के लिए बहुत ही मुश्किल है फ्रेंड ये काम तो। और आप कभी लगाओ तो किसी दूसरे के हाथ से ही लगवाना फ्रेंड, क्योंकि अकेले से नहीं होता है। यहाँ पे हाथ पे गिरा दे रहे, तो अकेले से नहीं होता है फ्रेंड। देखो तो मैं भी लगवा के लगा देती हूँ उसको, पर मैं अभी वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड, आपको तो पता है हमारी क्या प्रॉब्लम है, नहीं बनाऊंगी तो फिर वीडियो नहीं बना पाऊंगी मैं। अभी कभी बनाया तो फ्रेंड मैंने, नहीं बनाया तो फ्रेंड चलो आप ऐसे ही बने रहें। ऐसे फ्रेंड बोलते नहीं कि नानी और नानी की, नानी और दादी के नुस्खे, पहले पहले कैसे बोलते थे कि दही लगा ले बेटा, ये लगा ले, खोबरे का तेल लगा ले, तो लगाते थोड़ी थे। अभी कैसे, अभी जैसे जैसे पता चलने लग गया तो लगाने लग गए हैं। तो देखो अभी कैसे लगा रही है, तो बस सही बात है कि हमारी नानी और दादी के जो नुस्खे हैं वो आज काम में आ रहे हैं, सही बात है। तो पहले कहाँ थोड़ी कंडीशनर रहता था, शैम्पू रहता था, सारी औरतें इससे दही से और इससे ही काम चलाती थी। और फिर तो हमारे आज का ब्लॉग यही है कि नानी और दादी के नुस्खे, क्योंकि उन्होंने सही बात है कि उन्होंने ही बताया, इसलिए अपन इतने सारे करके देख सकते हैं घर के उपाय ये, बाहर जाने का काम नहीं है। और फ्रेंड देखो इससे अपने बालों को ना हानि पहुँचने वाली है, ना कुछ नुकसान होने वाला है, ना कुछ होने वाला है। तो ये देखो फ्रेंड, आप में जब बाल धोऊंगी ना और इसका रिजल्ट दिखाऊंगी ना, फिर तुमको पता चलेगा कि नानी और दादी के नुस्खे क्या होते हैं। तो फिर ये सही में ये काम जरूर करना चाहिए अपन को, तो घर के करना चाहिए। आयुर्वेदिक अच्छा रहता है फिर आयुर्वेदिक। तो देखो रुचिता पूरे बालों में लगा लिया है, सिर्फ नीचे नीचे के बाल बाकी है। तो चलो फ्रेंड आप ऐसे ही बने रहे हमारी वीडियो पर। तो देखो फ्रेंड फाइनली रुचिता का हो गया है पूरे दही से, और पूरे ऐसे देखो कैसी भर गई है। और गुड़ा कर ऐसे ये बना लेना पीछे करके। तो फ्रेंड देखो अब मैं हम बाल धोएंगे तभी आपको दिखाएंगे। वो गरिमा भी आ गई है, ये देखो कितना गिराया रे 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 रे। और ये गरिमा घर में आ गई है, ये वो बाप रे बाप रे, ये चटोरी क्या 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 लेके आई, देखो चटोरी समोसा। तो चलो फ्रेंड देखो को ना इसके कभी मन जैसा नहीं हो। खटाई डाल दूं, ये देखो चटोरी को खटाई भी खानी है। ये क्या है? वो चटनी है। मुझे इसमें भी डालनी है, ये भी डालनी है। पापा दोन-दोन डाले थे। तो चलो फ्रेंड अब मैं वीडियो देखो अब बाद में करूंगी। ये क्या लगा रही है रुचिता तू? हाँ ये क्या लगा रही है तू? क्यों लगा रही है दही? हाँ तो चलो फ्रेंड आप समझ सकते हो। चलो फ्रेंड देखो रुचिता कैसे, गरिमा कैसे समोसा खा रही है देखो। फाइनली हमने धो लिए हैं बाल और देखो कैसे दिख रहे हैं आपको, दिख रहे मैंने कलर किए हुए फ्रेंड, ब्राउन कलर के किए हैं मैंने फ्रेंड। और देखो कब से सो के उठ गई हूँ मैं, और देखो फ्रेंड कैसे लग रहे हैं आप ही मुझे बताना। मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ देखो, अब भी मैंने इसमें को इसको है ना कंघे से, देखो कंघे से ऐसा झा रहा है, तो अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे देखो फ्रेंड। कलरिंग भी मैंने ज़्यादा नहीं रहने दिए, बहुत जल्दी धो लिए थे, ब्राउन ज़्यादा होने नहीं दिए हैं, और बहुत ही सिल्की बाल हो गए फ्रेंड मेरे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और देखो आप देख सकते हो मैंने तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, ना ही मशीन लगाई है ना कुछ। और देखो अभी मैं रुचिता के दिखाती हूँ क्योंकि उसने कलरिंग नहीं की है, तो उसकी भी दिखा देती हूँ मैं कैसे हो रहे। देखो फ्रेंड मेरे अच्छी शाइनिंग वगैरह बहुत अच्छा है फ्रेंड। चलो मैं रुचिता का दिखाती हूँ आपको, आप रुचिता के तो देखो फ्रेंड रुचिता के देख लो फ्रेंड,
देखो कितने, मतलब अब भी निकाला है फ्रेंड, सूख गए पूरे बाल, सूख गए उसके। और देखो कैसे लग रहे, इधर आ देखो मैं फ्रेंड आपको, देखो कंघा भी फिर आके दिखाती हूँ। देखो एकदम इजी जा रहा है, देखो देखो फ्रेंड एकदम इजी जा रहा है। देखो बहुत ही, मतलब घर पे यूज़ करना फ्रेंड आप उसका यूज़, जैसे मैंने आपको दिखाया दही और क्या था वो दीदी, जवस का मैंने बोला ना फ्रेंड, उसको अच्छे से बना लेना, उसको अच्छे से गैस पे रखना 2-3 मिनट तक, उसको अच्छा उबालना, उसके साथ में और लिक्विड, और जो उसका लिक्विड तैयार होता है उसके साथ में उसको सब मिक्स करना फ्रेंड। तो देखो उसके बाद में लगाना और आधा घंटा रखना, और देखो फ्रेंड कितने अच्छे बाल बनते हैं एकदम। देखो आप शादी में जाओ, कहीं पार्टी में जाओ तो ऐसे करके जाओ, और उसके बाद में फिर स्ट्रेटनर मशीन लगा लो। हाँ नहीं, मशीन लगा लो, स्ट्रेच कर लो अपने बाल, मशीन मशीन तो एकदम बिंदास चलेगी अब इसके ऊपर ले। तो फ्रेंड देखो ऐसा नुस्खा आप जरूर करके देखें। और देखो फ्रेंड आगे से दिखा, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, शाइनिंग कर रहे हैं, दिखा ऐसे घुमा, देखो फ्रेंड कैसे शाइनिंग कर रहे, देखो बाल, देखो देखो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं फ्रेंड बाल। देखो पीछे जाओ थोड़ा सा, देखो और पीछे जाके देख लो, देखो फिर बस ज़्यादा नहीं जा रहा। अरे अब तो आप ऐसे ही बने रहे फ्रेंड हमारे वीडियो पर।